महाप्रभु क्यों जाते हैं ना आते हैं ना, ये संसार की लीला है। आना जाना एक प्रक्रिया है, और आने जाने की जो प्रक्रिया है उसी में मानवीय लीला में भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। देख रहे हैं भक्त, ऊपर श्री मंदिर के अंदर क्या ये दृश्य आपको दिख रहा है। धीरे धीरे देखो, देखेंगे आप महाप्रभु की बहन जो है वो निकल पड़ेगी। जब फिर एक उत्साह, 22 पावच का ये क्षेत्र जहाँ भक्तों को कहा जाता है, ये चार वेद और 18 पुराण, अष्टादश पुराण व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराण जो रहे, अष्टादश 18 ये चार, 22 इस प्रकार के 22 कहे गए। खैर, श्री मंदिर का ये भव्य दृश्य आप देख रहे हैं, वो उतरते हुए सूर्य की प्रकाश छिटकते हुए धीरे 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 अंधकार की ओर गतिमान सूर्य देव, और देख रहे हैं माँ भगवती भारती, ये कौन है ना, ये साक्षात कज्जल रूप तो काली कहिए। भक्तों की भीड़ तो देखकर लगता है कि भगवान के प्रति इतना गहरा प्रेम है कि आज बारिश है, धूप है, फिर भी कोई चिंता नहीं, केवल देखने के लिए। आपको तो आंख भर देखने के लिए हम आते हैं ना प्रभु, इसीलिए अचिंता क्या, चिंता कुछ नहीं है। फिर भी आप जल्दी थोड़ा निकलेंगे तो हम भी आपका दर्शन कर घर को निकलेंगे जल्दी, इसी जल्दी में। भगवान लेकिन आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पत्नी जी क्या कहेंगी, धमकी तो दे करके आ चुकी है हेरा पंचमी के दिन, इसीलिए आने से आपको मैं देखूंगी। इसी बात जो वाक्य एक छोड़ के आई है ना, अभी महाप्रभु सहमे हुए हैं, कभी मैं जब जाऊंगा ना तभी क्या। देखिए महाप्रभु, बड़े भाई चले गए, कुछ तो पत्नी ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा ना, कहेंगी भी नहीं, क्योंकि वो बड़े हैं मुझसे, और उनके सामने आने की ये परंपरा नहीं है। भगवान की ये दिव्य लीला, ये कौन ना महाप्रभु, आप तो अशेष पुष्पमालिका कलापमंडनाग्रही प्रमत्त दुष्ट निग्रहे सुसज्जितो हि विग्रह। आप तो बहुवेश बंधम, हमने कल कहा था, आप विभिन्न वेशभूषा में श्रृंगार होकर के भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। आज टाहिया, और कुछ ही क्षणों में टाहिया यहाँ पे लगा दिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु को टाहिया पसंद है। कारण न शबर संस्कृति की, ये मादला देव है। मादला मतलब केवल एक खंड, काष्ठखंड, जिसको बाद में स्वरूप दिया गया, विवर्तनवाद के अनुसार, परिवर्तित स्थिति के, परिस्थिति के, परिवेश के अनुसार और परंपरा के अनुसार नए स्वरूप दिए गए। कहते हैं प्रभु, आप जब टाहिया पहनेंगे ना, कवि योगेश्वर कहते हैं क्या, ना मुकुट विसर्जन करी प्रभु, मुकुट विसर्जन करी प्रभु, धरही टाहिया शीश, मंजरी तुलसी सुमन युत, शीश धारही जगदीश। मस्तक पर टाहिया धारण करते महाप्रभु, क्यों, क्योंकि उन्हें पसंद है। माँ भगवती भारती, ये सुभद्रा, सुभद्री के जिन्हें कहा गया कि आप क्या हो, ना कज्जल रूप तो काली कहिए, उज्ज्वल रूप तो बानी, रवि मंडल पर चंडा कहिए, गंगा कहिए पानी, ब्रह्मा घर ब्रह्माणी कहिए, हर घर कहिए गौरी, नारायण घर कमला कहिए, के जानो उत्पत्ति तोरी। उनका ये पद्मध्वज यानी देव दलन कोई कोई बोलते हैं, तो महाप्रभु की ये दिव्य, माँ भगवती की ये दिव्य रथ देखकर आप निश्चित रूप से पता लगा चुके होंगे कि ये सुभद्रा जी के रथ हैं। सुभद्रा जी कौन है ना, गुजरात में वो कल्याणी के नाम से जानी जाती है, राजस्थान में उन्हें भवानी माना जाता है, कश्मीर में वो अम्बा के नाम से परिचित हैं, मिथिला में उन्हें रमा उमा कहा जाता है, मैसूर में चामुंडा के रूप में वो पूजिता हैं, आसाम में कामाख्या और कोलकाता में काली तथा हमारे उड़ीसा में दुर्गा के रूप में जानी जाती है। इसीलिए कहा गया माँ भवानी देवी सुभद्रा भये भगत भद्रा, सब लोक माता भवानी दयार्द्रा, बल्ली हे मंगोरी सदा हे किशोरी, सुहासी सुवेशी अनाशी असिद्रा। सचमुच में आप बड़े सुंदर दिख रहे हो, क्योंकि
आप स्वयं भगवान की बहन हो ना, इसीलिए चिंता क्या। देखिए प्रस्तुत भोग सभी यहाँ प्रस्तुत है, भगवान के यहाँ जो कुछ भी प्रसाद मिलते हैं सभी महाप्रसाद तुल्य सभी मानते हैं, कैवल्य तुल्य मानते हैं। इसीलिए ये पंक्ति भोग शायद आप लोगों तक ये पहुंच तो नहीं पाएगा, लेकिन उसके जो स्वाद आप मन ही मन भाव में ही ग्रहण कर सकते हैं। नंदीघोष रथ आकुल व्याकुल कारण भगवान अभी निकल जाएंगे, जैसे प्राण ही निकल जाएगा मन से, तो शरीर से प्राण ही निकल जाएगा तन से, इसी भाव से ये धीरे धीरे भगवान को जो छोड़ने की त्यागने की एक क्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए तुलसी जैसे ही आम, ये अमृत फल इसे कहा जाता है, अमृत फल इसको भगवान भी खाते हैं कहा जाता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि भगवान भक्त के बड़े प्रिय हैं, भक्त भी भगवान को प्रिय है। कवि बलराम दास एक बार उनसे मिलकर के कटहल खाने की सोची, क्योंकि कटहल भगवान को भी प्रिय है और बलराम दास को। बलराम ने दास भक्त बलराम ने कहा प्रभु आज खाने जाएंगे तो ठीक है, चल पड़े। ये ऐसी एक कथा है, कितने सत्य हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब कथा प्रचलित है, जब सत्य नहीं है तो श्रुति नहीं हो सकती। इसीलिए तो बलराम दास भगवान के साथ पहुँचते हैं और भगवान क्या, भगवान को कहा कि आप ऊपर चढ़िए और मुझे दीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे पहरेदारी करूँगा, कोई आएगा तो रक्षा करूँगा तुम्हारा, तुम ऊपर चढ़ जाओ। भगवान के भक्त चढ़ गए ऊपर, जैसे ही कटहल खाना शुरू किया, वह के जो रक्षक थे तुरंत कहा कौन, ना मैं नहीं, कौन ना कोई नहीं, अरे यहाँ पे तो कोई है जरूर। जैसे ही आए देखा बलराम दास ऊपर है और नीचे कोई नहीं है, इतनी धुनाई हुई कि वहाँ पे वो गिर पड़े और निकाल करके उन्हें दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया गया। सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई बलराम दास को होश आया, उठे और सीधा शिव मंदिर पहुँचे, हाथ पैर पीठ सभी पर लाठी के निशान पड़े थे। कहा प्रभु कटहल खाने वाले आप और मार खाने वाला मैं, भगवान भक्त के भाव को जानते हैं, इसलिए कहा जाता है उनके शरीर से वस्त्र निकल गया और देखा, अरे बेटा जितने प्रहार हुए ना, अगर मैं नहीं संभालता तो तुम वहीं पे ख़त्म। देखो देखो मुझे प्रहार मिले कि नहीं, भक्त के लिए मैंने किया नहीं किया। और देखा जाता है भगवान के हाथों में और पीठ में इतने निशान थे, तभी बलराम दास वहीं साष्टांग प्रणिपात करते हुए कहा सचमुच में आप भक्त के भगवान हो, और वही भगवान आज लीला करने, मानव लीला करने यहाँ उतरे थे। उनकी बहन अभी प्रस्तुत है, बड़े भाई अंदर चले गए हैं, बड़े भाई और बहन जाने के बाद भगवान चिंतित होकर के जाएंगे अवश्य, क्या करेंगे, पत्नी से तो मिलना है, उन्हें तो समझाना है, पत्नी को समझाना पड़ेगा क्यों मैं गया था, किसी कारण तुम्हें नहीं लिया था, ये सभी समझाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब धीरे 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 आप देख रहे हैं एक एक प्रक्रिया पूर्वक रीति रिवाज पूर्वक धीरे धीरे एक निकाला जा रहा है। हम कह रहे थे ये कौन है, और ना ये उग्र तारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी के रूप में यहाँ पूजा जाता है उन्हें। इसीलिए तो कहा गया प्रभु आप कि ये बहन केवल भुवनेश्वरी नहीं है, त्रिपदा यानी गायत्री है। कहा गया गायत्री में महिमा परम्पार तुम्हारी, जय 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 त्रिपदा भयहारी, आप त्रिपदा हो। आहा और क्या कहा गया, ना आप सौ आप मैथिली यानी सीता हो, जगन्नाथ महाबाहु साक्षात रघुनंदन सौमित्री बलदेवश्च भद्रा मैथिलीवच, इसलिए भद्रा के रूप में तो आप यहाँ हो लेकिन सचमुच में आप सीता हो। इसलिए महाप्रभु की ये लीला को देख रहे हैं आप अभी, ये संदूक जो है भगवान के सारे सामान आए थे इसी को लेकर के अभी श्री मंदिर की ओर लिया जाएगा। महाप्रभु की सारे सामान एक एक करके विधि पूर्वक लिया जा रहा है। हम कह रहे थे कि जो
तत्व है, जगन्नाथ तत्व, सुभद्रा तत्व और बलभद्र तत्व है। सुभद्रा तत्व में कहा गया है असतो मा सद्गमय,